नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी ORG के करंट अफेयर प्रोग्राम में। आज है 20 दिसंबर, तो हम कवर करेंगे 20 दिसंबर से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के फैक्ट होंगे, क्वेश्चन होंगे, उन सभी को। तो आइए देखते हैं साथियों, हम आज का पहला क्वेश्चन या फिर पहला फैक्ट। साथियों, हमारा पहला है, हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के किस चरण की शुरुआत करी गई है? यानी आपको बताना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो है उसके किस चरण की शुरुआत करी गई है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा चौथे चरण, यानी कि चौथे चरण की शुरुआत करी गई है। फोर्थ इज राइट आंसर। आइए जानते हैं इस बारे में कुछ विशेष जानकारी। चौथे चरण पर 80,250 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह 2024-25 तक पूरा हो जाएगा। इसमें केंद्र का हिस्सा 53,800 करोड़ रुपये होगा, जो परियोजना की कुल लागत का 60% है। 40% राशि राज्य सरकारें द्वारा वसूली करी जाएगी, यानी कि जिस राज्य में सड़क बनाई जाएगी उस राज्य की सरकार से भी 40% राशि वहन की जाएगी, तथा 60% राशि केंद्र सरकार के द्वारा होगी, जो कि पूरे भारत में कहीं भी हो वह 60% हिस्सेदारी देगा या फिर देगी। तो साथियों, जानते हैं इस बारे में कुछ विशेष जानकारी। साथियों, आपको बता देगी इस सड़क योजना की शुरुआत, जो कि मतलब प्रधानमंत्री सड़क योजना की शुरुआत सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे 2000 के समय, उनके द्वारा करी गई। तो आइए देखते हैं साथियों, हमारा आज का अगला प्रश्न। हमारा अगला है, भारत के किस शहर में भवानी दीक्षा वीरा मना महोत्सव शुरू हुआ है? आपको बताना है कि हाल ही में भारत के किस शहर में भवानी दीक्षा वीरा ये एक महोत्सव है जो कि शुरू हुआ है, तो वह किस स्थान पर हुआ है, भारत के किस शहर में हुआ है? तो साथियों, उस शहर का नाम है विजयवाड़ा। आइए जानते हैं विजयवाड़ा के इस उत्सव के बारे में कुछ विशेष जानकारी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थित कनक दुर्गा माता मंदिर में 5 दिवसीय भवानी दीक्षा महोत्सव शुरू हुआ। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां दीक्षा और धार्मिक अनुष्ठान के लिए दूर दूर से पहुंचते हैं। तो आइए देखते हैं साथियों, आज का अगला प्रश्न। हमारा अगला है, हाल ही में किस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के चेयरमैन ली सांग हून को 18 माह की जेल हुई है? आपको बताना है कि किस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है ली सांग हून को हाल ही में 18 माह की जेल हुई है। तो साथियों, उन कंपनी का नाम है सैमसंग, यानी कि जो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है, बहुत बड़ी कंपनी है, इसके चेयरमैन को हाल ही में 18 माह की जेल हुई है। आइए जानते हैं इस बारे में कुछ विशेष जानकारी। साथियों, विशेष जानकारी के तहत आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने स्मार्टफोन और चिप बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन ली सांग, यहाँ पर एक ली स्टार लगा है, ली सांग हू को 18 माह की सजा सुनाई है। ली को यह सजा श्रमिक यूनियन की गतिविधियों को नुकसान पहुँचाने के मामले में मिली है, यानी कि ली द्वारा श्रमिक यूनियन की जो गतिविधियाँ होती हैं उन्हें नुकसान पहुँचाया है या फिर उनमें कुछ रुकावट पैदा करी है, तो इसी की वजह से उन्हें 18 महीने की जेल हुई है। आइए जानते हैं सैमसंग के बारे में कुछ विशेष जानकारी। साथियों, सैमसंग की स्थापना 1 मार्च 1938 अब कहाँ पर हुई, तो यह स्थापना हुई थी साउथ कोरिया में। तो आइए जानते हैं साथियों हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला है, उपन्यास हाफ डे नाइट इज गॉन के लेखक कौन है? यहाँ पर ये आएगा, उपन्यास हाफ डे नाइट इज गॉन के लेखक कौन है? तो साथियों, इस उपन्यास के लेखक हैं अमिताभ बागची। आइए जानते हैं इस बारे में कुछ विशेष जानकारी। अमिताभ बागची के उपन्यास को दक्षिण एशियाई साहित्य 2019 के लिए, यानी कि जो दक्षिण एशियाई साहित्य सम्मान है 2019 के लिए चुना गया है, तथा इस पुरस्कार के तहत उन्हें $25,000 का पुरस्कार दिया गया है। बागची को यह पुरस्कार नेपाल साहित्य महोत्सव में नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप यावली द्वारा दिया गया, यानी कि जो ये पुरस्कार है अमिताभ बागची को नेपाल में दिया गया, तथा नेपाल के जो विदेश मंत्री हैं प्रदीप यावली द्वारा दिया गया है। इस पुरस्कार के तहत उन्हें $25,000 की राशि प्रदान की गई है। तो आइए देखते हैं साथियों आज का अगला। हमारा अगला है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के चयनित प्रतिभागियों को रेलवे बेसिक किरायों में कितनी फीसदी या फिर कितनी प्रतिशत की रियायत प्रदान करेगा? यानी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत एक जो अभियान चल रहा है उसके तहत चयनित प्रतिभागियों को रेलवे बेसिक किराए में कितना प्रतिशत की छूट प्रदान करेगा? तो साथियों, वह 50% की छूट प्रदान करेगा। आइए जानते हैं साथियों आज का अगला। हमारा अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा
भारत के गांव-गांव तक ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने का निश्चय किया है, वह किस वर्ष तक निश्चित किया गया है तक का निश्चित किया गया है, यानी कि किस वर्ष तक भारत सरकार द्वारा भारत के प्रत्येक गांव-गांव में ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान की जाएगी। तो साथियों 2022 तक का यह निश्चय किया गया है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार। आइए देखते हैं हमारा अगला है, विश्व अरबी भाषा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को विश्व अरबी भाषा दिवस मनाया जाता है, जो कि प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को ही मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो आइए देखते हैं साथियों आज का अगला, हमारा अगला है, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जल साथी योजना की शुरुआत करी है, या फिर किस जल साथी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा करी गई है। तो साथियों उस सरकार का नाम है ओडिशा सरकार, ओडिशा राज्य सरकार द्वारा यह योजना शुरू करी गई है। आइए जानते हैं इस बारे में कुछ विशेष जानकारी। पटनायक सरकार की इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक घर तक पीने योग्य पानी को उपलब्ध कराना है, यानी कि जो नवीन पटनायक वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के द्वारा यह उन्हीं की सरकार द्वारा यह योजना शुरू करी गई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक घर तक पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है। तो साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है ये, और योजना का नाम है जल साथी योजना, आपको यह याद रखना होगा, जल साथी योजना ओडिशा सरकार की है और इसका उद्देश्य है कि राज्य के प्रत्येक घर तक पीने योग्य पानी को उपलब्ध कराना। तो आइए देखते हैं साथियों हमारा अगला है, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल को किस दिन फांसी की सज़ा दी गई थी, यानी कि जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं शहीद हुए थे उन्हें किस दिन फांसी की सज़ा दी गई। तो साथियों 19 दिसंबर ये दिन होगा, 19 दिसंबर के दिन राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सज़ा दी गई थी। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ विशेष जानकारी। 19 दिसंबर 1927 को, यहाँ पर सन भी है 1927 को, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां तथा ठाकुर रोशन सिंह, यहाँ पर तीन दिनों के नाम हैं, एक तो राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं और एक अशफाकुल्ला खां जी हैं और ठाकुर रोशन सिंह जी हैं, इन्हें गोरखपुर की एक जेल में फांसी की सज़ा दी गई थी, यानी कि गोरखपुर में इन्हें फांसी की सज़ा हुई और डेट मैंने आपको बताई दी है 19 दिसंबर 1927 को। तो आइए देखते हैं हमारा अगला है, सन 1961 में किस दिन भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन विजय को शुरू किया, यानी कि ऑपरेशन विजय किस लिए शुरू किया गया था और किस दिन शुरू किया गया था। तो आइए जानते हैं इस बारे में कुछ विशेष जानकारी। साथियों इस दिनांक है 19 दिसंबर, 19 दिसंबर को ऑपरेशन विजय भारतीय सेना द्वारा स्टार्ट किया गया था। आइए जानते हैं इस बारे में कुछ जानकारी। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया, इसके तहत गोवा दमन दीव को भारत में शामिल किया गया, यानी कि ऑपरेशन विजय है जो कि गोवा और दमन दीव को शामिल करने के लिए भारत में शामिल करने के लिए चलाया गया था। 40 घंटे तक चली लगातार लड़ाई में पुर्तगाली सेना ने अपने घुटने टेक दिए, पुर्तगाल के गवर्नर ने सरेंडर फॉर्म पर हस्ताक्षर कर गोवा को छोड़ दिया, यानी कि जो पुर्तगाल के गवर्नर थे उन्होंने सरेंडर फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दिए और इंडिया को छोड़ दिया। तो आपको क्लियर होगा कि भाई जो ऑपरेशन विजय है वह किस लिए चलाया गया था और किस दिन चलाया गया था। तो आइए देखते हैं साथियों हमारा अगला है, हाल ही में किस भारतीय सीमा बल ने अपने, यहाँ पर ने आएगा, ने अपने विवाहित विधवा या विधुर और जीवनसाथी से अलग हो चुके कर्मियों को बल के अंदर ही उपयुक्त जीवनसाथी ढूंढने में मदद करने के लिए मोट्रोमोनियल पोर्टल लॉन्च किया गया है, यानी कि ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमने पहले भी कवर कर लिया है। तो हाल ही में किस सीमा बल द्वारा मेट्रोमोनियल पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो कि उसी के जो कर्मचारी हैं उन्हीं को बल के अंदर ही उपयुक्त जीवनसाथी ढूंढने में मदद करेगा। तो साथियों यह आईटीबीपी ने यह ऐसा मेट्रोमोनियल पोर्टल लॉन्च किया है। आइए जानते हैं इस बारे में कुछ विशेष जानकारी। साथियों भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने अपने विवाहित विदुर और जीवनसाथियों से अलग हो चुके कर्मियों को पल के अंदर ही उपयुक्त जीवनसाथी ढूंढने में मदद करने के लिए मेट्रोमोनियल पोर्टल विकसित किया है। किसी भी अन्य सैनिक बल में यह पहली बार उठाया गया कदम है, यानी कि आज तक के इतिहास में कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है अन्य किसी बल द्वारा। तो साथियों आइए जानते हैं आईटीबीपी के बारे में कुछ विशेष जानकारी। साथियों आईटीबीपी की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1965 को, यानी कि 1965 को 24 अक्टूबर 1965 को आईटीबीपी की स्थापना हुई। आईटीबीपी में वर्तमान में 89,432 सैनिक कार्यरत हैं तथा इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और एसएस देसवाल जो कि इसके वर्तमान में चेयरमैन है, एसएस देसवाल, तो आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है एसएस देसवाल इसके वर्तमान में चेयरमैन है। तो साथियों थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप सभी ने हमारी वीडियो को देखा, अपना अमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।